नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में दोस्तों एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है बॉडीज। पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे, आप में से काफी लोग कह रहे थे कि सीरीज का रिव्यू शेयर करो, तो मैंने जस्ट अभी फिनिश करी है और इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा सीरीज मेरे को कैसी लगी। शुरुआत करते हैं सीरीज की कहानी से। तो कहानी घूमती है टाइम ट्रेवल के अराउंड, और अगर किसी शो के अंदर टाइम ट्रेवल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आप समझ सकते हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है। इसके अंदर कहानी कुछ ऐसी कि हमको चार अलग अलग टाइमलाइन दिखाई होती है। एक तो होती है 1890s की, एक होती है 1941 की, एक होती है 2013 जो इस समय करंट पीरियड चल रहा होता है, और एक हमारा फ्यूचर जो कि 2053 होता है। अब इन चारों टाइमलाइंस के अंदर एक ही जगह पे एक बॉडी देखने को मिलती है चार अलग अलग पुलिस वालों को। अब जाहिर सी बात है भाई, जितने भी पुलिस वाले होते हैं सबको लगता है कत्ल का मामला, तो सारे लोग इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं कि मर्डर करा किसने है। अब जैसे जैसे इन केसेस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है, उनको एक के बाद एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा दिमाग घुमाने वाली मिस्ट्रीज पता चलती रहती है। अभी क्या मिस्ट्रीज है, कैसे कैसे वो लोग सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, या फिर चारों टाइमलाइन एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होती है, ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको शो देखना पड़ेगा। अगर शो के अंदर पॉजिटिव्स की बात करूं तो जाहिर सी बात है शो के अंदर अच्छे तरीके से टाइम ट्रैवल दिखाया जाता है, जो ट्विस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शुरुआत के बाद 3-4 एपिसोड तो कोई पता ही नहीं चलता है कि शो के अंदर चल क्या रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि टाइम ट्रैवल की कहानी है। और जो पूरा पुलिस केस दिखाया होता है जिस तरीके से वो सारे डिटेक्टिव जो होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पूरे टाइम वो इंटरेस्ट बना के रखता है, दिमाग में चलता रहता है कि ये चीज इस तरीके से कैसे लिंक होगी, ये वाली चीज इसने करी है या फिर नहीं करी है, पूरे टाइम दिमाग में इस तरीके की हलचल चलती ही रहती है। दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो शो के अंदर जो अलग अलग टाइमलाइन दिखाई होती है उन सबको अलग अलग तरीके से कलर ग्रेड करा गया है। हर एक टाइमलाइन को अपना एक स्पेसिफिक कलर दिया हुआ है। जैसे अगर हम 1890s के जमाने की बात करें तो हमको जो उसके कलर टोन दिखाई जाते हैं कुछ ओल्ड स्टाइल में दिखाई जाती है, कुछ पुरानी चीजें पुराने कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। वहीं पर जो फ्यूचर दिखाया होता है वही बहुत ही ज्यादा ब्लू टोन में होता है, बहुत सारी चीजें फिनिश लगती है, जो ग्रेन्स होता है कैमरे के अंदर वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो चीज थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। और इस तरीके से अलग अलग टाइमलाइन को अलग अलग कलर टोन दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को थोड़ा इजी रहता है कि हाँ अब कौन सी टाइमलाइन चल रही है, अब कौन सी टाइमलाइन चल रही है। तीसरे पॉजिटिव की बात करें तो इसके अंदर एक्टर्स का काम लाजवाब है। इस शो के अंदर आपको मल्टीपल लीड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं किसी एक के अराउंड कहानी घूम रही है। अगर किसी एक की भी एक्टिंग अगर ज्यादा खास नहीं होती, अगर कनेक्ट होने में उसे दिक्कत होती तो शो का थोड़ा मजा खराब हो जाता, लेकिन भाई अच्छी बात यह है कि किसी भी एक्टर की एक्टिंग बिल्कुल ऑफ नहीं करती, कनेक्ट होने में ईजी हो जाता है, उनके हालात समझ में आ रही होती, उनकी साइकोलॉजी समझ में आ रही है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इससे हमको समझ में आ रहा था, थोड़ा रियलिस्टिक भी लग रहा होता। अगर इस शो के कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो मेरे को शो की थोड़ी लेंथ ज्यादा बड़ी लगी, इसके 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसे लगने लग जाते हैं कि जबरदस्ती खींचे हुए से। हर एपिसोड के अंदर हमको कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेम्स देखने को मिलते हैं जो पूरी कहानी के अंदर कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते हैं। वो मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि हाँ सिर्फ एपिसोड को 50-60 मिनट के बीच में रखने के लिए वो डाले गए। एक छोटा सा नेगेटिव और सीरीज का, कुछ चीजें बार बार रिपीट होती हुई दिखाई जाती है। जैसे शो की जो मेन स्टोरी है हमको शुरुआत के 5 एपिसोड के अंदर दिखा दी जाती है, लेकिन वही चीज हमको थोड़े ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़े और डिटेल के साथ 7th एपिसोड के अंदर भी दिखाई जाती है। लेकिन बड़ी बात थी कि जो हमको कहानी 7th के अंदर दिखाई जा रही होती है वो ऑलरेडी 6 एपिसोड के अंदर दिखा दी गई होती है, मतलब दिखाई नहीं गई होती, हमको डायलॉग्स के थ्रू बता दी गई होती है, लेकिन 7th एपिसोड के अंदर वो वाली चीज हमको डिटेल में दिखाई जा रही होती है। और वही वाले सीन्स बार बार रिपीटेडली देखने को मिलते रहते हैं, जो कि थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो मोटा मोटा मतलब ये कि शो बीच बीच में कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड लगता है, थोड़ा जबरदस्ती का खींचा हुआ लगता है, और इससे ज्यादा बड़ा कोई नेगेटिव मेरे को शो के अंदर देखने को मिला नहीं। बात करते हैं कंक्लूजन के, तो आपको ये शो देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, मेरी नजर में डेफिनेटली दोस्तों जरूर देखना चाहिए। अब बहुत लोग उसको डार्क से भी कंपेयर कर रहे हैं कि डार्क जैसी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं भाई, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी उस लेवल की नहीं है। हालांकि इसके अंदर भी जो मिस्ट्री देखने को मिलती है, जो थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलता है वो भी अच्छा है। जिस तरीके से टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके शो आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आपका दिमाग बार बार घूमता रहता है कि होने के वाला है, चल क्या रहा मामला, तो जो क्यूरियोसिटी होती है आपके दिमाग में पूरे टाइम बनी ही रहती है। अब कुछ लोग उसको 2019 में आई हुई एक मूवी इन द शैडो ऑफ द मून से भी कंपेयर कर रहे हैं कि शायद उसके जैसी कहानी देखने को मिलती है, तो बता दूं नहीं भाई, इसकी कहानी बिल्कुल से अलग है, इस मूवी की कहानी बिल्कुल से अलग है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उस मूवी की कहानी इस शो के मुकाबले काफी ज्यादा इन्फीरियर है। अगर उस मूवी की कहानी यहाँ पे मानोगे तो भाई शो की कहानी इस लेवल पे, मतलब उससे तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर कहानी है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करी जाती है। अगर रेटिंग की बात करिए तो मैं तो इस शो को 7/10 दे सकता हूँ, बल्कि मेरा मन तो 8/10 देने का, तो 8 कर देते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली इस शो को काफी ज्यादा एंजॉय करा। बस 8 घंटे का नहीं होकर थोड़े 6 घंटे का भी होता तो मैं ज्यादा एंजॉय कर पाता, बस ये मेरी छोटी सी शिकायत है शो से। तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू था शो के बारे में। आपने अगर ये वाला शो देख लिया तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। अभी की वीडियो दोस्तों मैं ये पे खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शोरमनी साइनिंग ऑफ।